सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रमिष्ठ विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रमिष्ठ विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथादि के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये दामोदर अष्टक का चतुर्थ श्लोक को। हाँ, चतुर्थ श्लोक क्या है? बोले वरम देव मोक्ष नमक साव कृपा नचान्य प्रणय हम बरे सागतिह इधर ते बपुरनाथ गोपाल वालम सदा मनस्या विरस्ता मनय। यदि ये श्लोक के ऊपर में श्री सनातन गोस्वामी बड़े सुंदर ने टीका किया, उसको ऊपर में हमारे श्रीलता श्री नारायण गोस्वामी महाराज भी बड़े सुंदर उसको ऊपर में। इसलिए श्री हरे कृष्ण। इसलिए श्री कहते कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सत्यव्रत मुनि धीरे 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 ऊपर स्टेज में जा रहे हैं। इसलिए कहते वरम देव मोक्षम नमक चाव कृपा। कहते इसलिए कहते हे प्रभु हम मोक्ष हम नहीं चाहते हैं। कहते मोक्ष का जो पराकाष्ठा है उसको भी नहीं चाहते हैं। है पराकाष्ठा सालोक्य साष्टी सारुक्य सामिश्य ये भी नहीं चाहते। उसको ऊपर का जो स्टेज कहते श्री वैकुंठ तक भी हम नहीं चाहते। अरे बोले अरे चाहते हो क्या? तो एक चीज चाहता हूँ इधर दे बपुरनाथ गोपाल बालम आपका जो बाल गोपाल जो स्वरूप है ये हर समय हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम किसी चीज को नहीं चाहते। इसलिए इसको बारे में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। वहाँ तक भी श्रवण कीर्तन जो नव विद्या जो भक्ति है कहते उसको भी हम नहीं चाहते। बोले उसको क्यों नहीं चाहते? बोले कारण है जो नव विद्या भक्ति है इसको तो सर्वश्रेष्ठ बताया जो नव तरह का भक्ति है जिसको प्रहलाद महाराज कहते हैं इतने विद्या में ये सर्वश्रेष्ठ विद्या ये नव तरह का जो भक्ति है सद्गुरु चरण में आश्रय होते हुए ठाकुर जी की चरण में समर्पित होकर के जो भगवान की श्रवण कीर्तना विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने अधीत उत्तम। यदि ये नौ तरह का भक्ति में अगर एक भक्ति को कोई निष्ठा पूर्वक कर ले तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। कभी हम इसका फल भी नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं चाहते? इतना श्रेष्ठ भक्ति प्रहलाद महाराज इसको कह रहे हैं तो उनका इसका कारण कहते हैं मूल है ये संग। हम जैसे भक्तों का संग में हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे हमें ठीक वैसे ही हमें भक्ति प्राप्त होगी। अगर नारायण का भक्तों के साथ में अगर ये सारी चीज करेंगे हमें तो नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। अगर राम का भक्तों के साथ में अगर ये श्रवण कीर्तन करेंगे हमें राम की भक्ति होगी। अगर द्वारकाधीश भक्तों के साथ में अगर ये श्रवण कीर्तन करेंगे हमें द्वारकाधीश की प्राप्ति होगी। अगर हम मथुरेश कृष्ण का भक्तों के साथ में अगर श्रवण कीर्तन करेंगे हम कौन सा कृष्ण प्राप्त होगा? हमें मथुरेश कृष्ण की प्राप्त होगी। अगर हम ब्रज भक्तों के साथ में अगर हम ये श्रवण कीर्तन करेंगे हमें तो कौन सा भक्ति मिलेगी? हमें ब्रज भक्ति मिलेगी। लेकिन यदि जानो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग सभी तो बुझे तुम्हें सिद्धांत कर। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर सिद्धांत की तरंग में संपूर्ण रस में अगर तुम डूबना चाहते हो कहते किसकी किसके को साथ में ये भागवत कथा सुना कहते चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर।
जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त है, अगर उनका अगर निर्दर्शन करोगे फिर हमें क्या प्राप्त होगा? शेष वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं फिर हमें एक साथ में दो प्रकोष्ठ में सेवा मिलेगा। बोले कहाँ पर? बोले एक तो कृष्ण प्रकोष्ठ में सेवा मिलेगा और एक में श्री चैतन्य महाप्रभु के उनकी प्रकोष्ठ में भी सेवा मिलेगा। जैसे श्री रूप गोस्वामी, ये महाप्रभु लीला में रूप गोस्वामी रूप में महाप्रभु का सेवा करते हैं, लेकिन वृंदावन में कहते श्री रूप मंजरी होकर के सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी ये महाप्रभु का लीला में, ये सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला में कौन है? लवक मंजरी। श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु के साथ में स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में कौन है? कहते ये श्री ललिता सखी, श्री ललिता सखी है। राय रामानंद महाप्रभु के साथ में ये राय रामानंद रूप में और कृष्ण लीला में विशाखा सखी रूप। इसलिए यहाँ पर निर्भर करता है आप कैसे भक्तों का साथ में ये श्रवण कीर्तन करते हो, ये निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य दर्शन दो। किसकी नित्य संग करनी चाहिए? महाप्रभु का, भक्तों का संग को। संग में अगर हर समय हम उठेंगे बैठेंगे कीर्तन करेंगे फिर तो हमें ये वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव अपना टीका में कहते हैं कि ये चीज को कौन सिखा दे रहे हैं? कहते हमारे श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये लोग ये सब के सब सिखा देते हैं। इसलिए श्री उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु क्रमेण रसना मनसि निजज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुरागी कालम नैत अखिल इति उपदेश हमारे भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी महाराज। जब उनको कहीं संकट में बहुत सारी बात बताना होता था, समय थोड़ी सी है लेकिन पूरा शास्त्र का सब बात को बताना होगा, तो गुरुदेव बस एक श्लोक गुरुदेव व्याख्या कर सकते। क्यों? कभी ये उपदेश सार है। जितने उपदेश हमें ये जो उपदेश है ये सार उपदेश है। इसलिए कहते तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो। सुकीर्तनानो मतलब है गुरु वैष्णव के आनुगत्य में ही सब काम करने चाहिए। ऐसा नहीं स्वतंत्र होकर के, अगर गुरु वैष्णव की कृपा से थोड़ी सी सीख गया ना है, कभी यहाँ पर तीन बार अनु अनु तदानुगामी जनानुगामी, यहाँ पर तीन बार अनु 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 शब्द आया है। जैसे किसी बात को जब हम तीन बार बोल देते हैं ना, जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही हो गया, बोलो यहाँ पर तीन तीन बार हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। दूसरे लाइन में नास्ते व नास्ते व नास्ते व है एवं, मतलब निश्चित रूप में संस्कृत में एवं शब्द तभी प्रयोग होता है जिस बात को एकदम पक्के कर देते हैं। इसलिए तीन तीन बार की बोले त्रिसत्य है, तीन बार उसको तीन सत्य तीन बार सत्य करके कह रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी अनु 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 शब्द तीन बार, इसलिए कारण ही गुरु वैष्णव के आनुगत्य में ही साधन भजन करनी चाहिए। ऐसे नहीं थोड़े गुरु वैष्णव कृपा से थोड़े बहुत सीख गए बोले और कोई जरूरत नहीं, गुरु वैष्णव भाव गया हमारे, अभी हम तो स्वतंत्र नायिका है, हमें गुरु वैष्णव की आनुगत्य की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुक्त अवस्था में भी हैं, यदि ये मुक्त अवस्था में भी देखो ये सब के सब वैष्णव का अनुगत। जब कृष्णदास कल्याण गोस्वामी चैतन्य चरितामृत आरंभ करते हैं क्या कहते हैं? गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशक। अब कोई भी आप ग्रंथ देखो हमारे गुरु वर्गो का, कोई भी कहाँ ये सब मंजरी कहाँ ये सब सखी के सखी, लेकिन हर समय गुरु वैष्णव का अनुगत हर समय। लास्ट में जो कोई भी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ के देखो, जब लास्ट कोई भी अध्याय को लास्ट में जो फिनिश करते हैं रूप रघुनाथ पदे रघुपरहास चैतन्य चरितामृत कहे हर समय रूप रघुनाथ पदे भाई वे आकृति करने आदि भोजन से बल। कहीं भी आप देखो जितने गुरुवर्ग हुए हैं हर समय
ये काम को किसी ने किया, मैंने नहीं, कभी भी गुरु वैष्णव नहीं कहते मैंने किया। देखो वहाँ पर एक लिखा हुआ, देखो तो क्या लिखा हुआ है, केशव गोस्वामी महाराज की अनुपम्पा से ही ये मठ प्रकाशित हुआ है। लेकिन मठ किसने बनाया, ये मठ को किसने बनाया, ऊपर गुरुदेव किसने बनाया ये मठ को, भक्ति भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने बनाया। लेकिन बनाए उन्होंने, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ क्या है, किसकी किसकी कृपा से, बोले गुरु जी की कृपा से ही, अनुकंपा से ही ये मठ प्रकाशित हुआ। इसलिए ये जो वैष्णव जगत है ना, ये वैष्णव जगत ये अनुगत्य का जगत जगत है, ये भक्ति भी अनुगत्य में भक्ति है। और जो ये जो भागवत विद्या भी ये गुरु परंपरा प्राप्त ये विद्या है। अगर कोई सोचे अरे हम तो अब यश भी कर लिया, संस्कृत में आचार्य कर लिया, हम क्या नहीं पढ़ सकते, हम क्या शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम स्वतंत्र हो गए, नहीं कभी नहीं है, कभी नहीं। इसलिए कहते हैं भागवत पढ़ी कोई मरे और कोई तरे, भागवत पढ़ के कोई मरता है और कोई तरता है, हैं कोई मरता है कोई तरता है। इसलिए गुरुदेव मथुरा में गुरुदेव जन्माष्टमी के बाद में उन्होंने एक श्लोक वहां पर रखा, बड़े बड़े विद्वान को उन्होंने बुलाया, बड़े बड़े विद्वान को बुला करके हैं भागवत का जो अंतिम जो उपसंहार जो श्लोक ऊपर रखा, कहते वस्तु तन्निष्ठम कैवल्य ऐकम प्रयोजनम। उन्होंने इसी श्लोक को ऊपर बड़े बड़े विद्वान को बुला करके वहां पर विद्वत सभा की। साधारण रूप में जब ज्ञानी लोग ये श्लोक को पढ़ते हैं, क्योंकि भैया भागवत का सार क्या है, बोले कैवल्य ऐकम प्रयोजनम, कैवल्य वो लोग क्या लगे, बोले कैवल्य मतलब मुक्ति। इसलिए जब ज्ञानी लोग मायावादी लोग पढ़ते थे भागवत में, तो उपसंहार में यही लिखा हुआ भागवत का सार क्या, बोले कैवल्य मुक्ति, एक केवल मुक्ति प्रयोजन। लेकिन जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक को व्याख्या करते हैं ना, बोले कैवल्य अत्यम मतलब केवल एक हमें चाहिए, कैवल्य मतलब है केवल एक, बोले क्या, बोले ब्रज भक्ति हमें चाहिए। लेकिन ब्रज भक्ति में भी हमको उसके अंदर में कौन सा भक्ति चाहिए, केवल हमें श्री गोपियों की जो प्रेम है, है? केवल गोपियों की प्रेम चाहिए। उसमें क्या चाहिए, फिर श्री राधा रानी के अनुगता होकर के मंजरी भाव से, केवल हमें श्री मंजरी भाव से श्री राधा कृष्ण की सेवा चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ पर उदाहरण देते हैं, और उदाहरण दिया जब समुद्र मंथन से अमृत निकली, अमृत निकली इतने में भगवान मोहिनी रूप लिया, बोले दो लाइन करने बढ़िया, बोले देखो पहले तो ये देवता को ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देता हूँ, और बाद में जो गाड़ी गाड़ी रह जाएगी ना, हम एकांत में बैठ कर पिएंगे। देवता लोग तो मोहिनी को देख करके पागल है, बोले मोहिनी भले ही हमें अमृत नहीं मिला, तू अगर मिल गया ना, हमें जीवन में सब कुछ हमें मिल जाएगी। इसलिए मोहिनी क्या कर रही थी, देवता को तो पिला रही थी, लेकिन दैत्यों को तरफ में थोड़ी सी तेरसी चितावन से देख रही थी, और मीठी 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 मुस्करा रही थी, उनको लटकर ने झटकर दिखा करके। और दैत्यों को तो अमृत तरफ में ध्यान ही नहीं, उसका जो रूप है हाँ, उसका जो मीठी मीठी मुस्कुराहट, उसकी जो तेरसी चितावन का प्रति उनको ध्यान है, उसको अमृत का प्रति ध्यान उनकी है नहीं। और करते करते सारे अमृत उन्होंने देवता को मिला दिया, जब खाली हो गया खाली कल से रखे भाग्य पास। इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ कहते हैं उसी तरह ये भागवत का भी एक महीन स्वरूप, ये भागवत का भी एक महीन स्वरूप है। इसलिए ये देवता मतलब जो भगवान की शरणागत है, उनको भागवत क्या देता है, बल भगवत प्रेम प्रदान करता है। लेकिन जो ज्ञानी है जो भक्त नहीं, उनको मुक्ति बल जाओ जल जाओ हैं भागो यहाँ से, उनको मुक्ति देकर भगा देते हैं। इसलिए ये श्लोक में ये जो तदानु अनुशब्द जो प्रयोग किया, तीन तीन बार ये अनुशब्द प्रयोग किया, मतलब भक्ति कैसे करनी चाहिए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में को करनी चाहिए, स्वतंत्र होकर के अगर करेंगे फिर हमें बीस बीस मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, अमृत नहीं मिलेगा हमें, बीस ही मिलेगा हमें। इसलिए कहते बोले तन नाम क्या करनी चाहिए, उनको नाम को ग्रहण करनी चाहिए। कहते उनका नाम में है, इसलिए उसमें भी दो तरह का नाम है, एक मुख्य नाम और एक गौण नाम है।
जो गौर नाम में परमात्मा परमेश्वर विष्णु नियंता ये सब जो नाम है ये गौण नाम है, लेकिन हमें मुख्य नाम को हमें ग्रहण करनी चाहिए। बोले मुख्य नाम में है, मुख्य नाम है कृष्णा गोविंद दामोदर है, उनका जो लीला संबंधी ये सब नाम की मुख्य नाम है। लेकिन ये मुख्य नाम में भी जो सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा नाम है, जितने मुख्य नाम है ये सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा नाम है। इसलिए बोले एक समय पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते बोले प्रभु हम किसको नाम जप करें। शंकर जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना पर, जितने आराधना में जो विष्णु का जो आराधना ये सर्वश्रेष्ठ है। पार्वती बोली प्रभु फिर तो ये विष्णु सहस्र नाम को हम जप करें। अभी पार्वती विष्णु सहस्र नाम को रोज जप करते हैं, अभी 1000 नाम करने के लिए समय चाहिए। अब विष्णु सहस्र नाम सुने हो, अब देखना नहीं उसमें कोई भगवान का कोई मधुर नाम हो, कोई नाम नहीं उसको जो नाम में है विष्णु नियता विष्णु कर जगत नियता जगत करता जगत धाता ऐसे ऐसे सब नाम मिलेगा है, उसको स्पष्ट रूप से कहीं भगवान का नाम सुने। जब कुछ दिन उन्होंने विष्णु सहस्र का नाम जप किया, एक दिन शंकर जी पार्वती को बुला, पार्वती बोले तुमको आज एक और एक श्रेष्ठ नाम में तुमको बता रहा हूँ। बोले कौन सा नाम है, बोले राम रामे तिरमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुलम श्री राम नाम बरान। हे सुंदरी पार्वती कहते जो विष्णु सहस्र नाम को ग्रहण करने पर जो फल तुमको प्राप्ति होगी, अगर एक बार कोई एक बार श्री राम का नाम ले ले वही फल की प्राप्ति होगी। तभी से माता पार्वती भगवान राम का नाम लेती थी। जब उन्होंने कुछ दिन राम का नाम ली फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती आज तुमको और एक श्रेष्ठ नाम बताओ। बोले प्रभु कौन सा नाम है, बोले सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा विद्वाजत फलम एक वृत्वा तो कृष्ण से नामकर्त प्रजति। कहते यहाँ पर बोले जो विष्णु सहस्र नाम को अगर 3 बार कोई ग्रहण करे उसका जो फल मिलेगा, अगर एक बार केवल कृष्ण नाम अगर कोई बोल दिया तो उसको वही फल मिलेगा। मतलब 3 बार विष्णु सहस्र नाम 3 बार राम का नाम, एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम का नाम, 3 बार राम नाम समान 1 बार कृष्ण नाम है। पार्वती बोली फिर तो मैं कृष्ण का नाम लो। बोले हाँ कृष्ण इतने चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण का नाम लो। जब उन्हें कृष्ण नाम ली शंकर जी बोलते हैं पार्वती कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले आप जो बताए कृष्णस्तु भगवान स्वयं है कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, जो अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोग साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है, फिर उनसे श्रेष्ठ नाम और कौन सा नाम हो सकता है। बोले मैं थोड़ी बता रहा, ये कृष्ण ने ये चंद्रमा को ये बात बताई, ये क्या बताए। बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदूतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा के। कृष्ण कहते चंद्रमा को, हे चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले ले, अगर राधा जी का नाम अगर 1 बार कोई लेगा कहते उसको मेरा नाम 100 बार लेने का फल मिलेगा। एक बार अगर कोई श्री राधा जी का नाम को कोई ग्रहण करते हैं, इसलिए फिर तो पार्वती बोली फिर दिन भर राधे राधे बोलो और तो कुछ बोलेगा नहीं है। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं, वृंदावन में राधा रानी का नाम, बोले फिर तो राधे ही राधे ही बोलूंगा। लेकिन शंकर जी बोले इसमें भी एक रहस्य, बोले फिर क्या रहस्य, हम तो बोल दिया ना एक राधा नाम कृष्ण 100 नाम के सब बराबर है। बोले देखो राधा नाम गाने वाही श्री कृष्ण चरण पाई कृष्ण नाम नाम है राधा, इसलिए कहते राधा जी का नाम लेने से ना राधा रानी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक भजन गाते हैं ना राधे राधे रक्त में आएंगे, इसलिए राधा जी का नाम सुनने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं।
लेकिन अगर कृष्ण को अगर संतुष्ट करना चाहते हो फिर राधा जी का नाम लो, अगर राधा जी को संतुष्ट करना चाहते हो श्री कृष्ण का नाम लो। पार्वती बोली आप तो बड़े कंफ्यूज में जाते हो, अभी बताओ राधे राधे बोलू ना कृष्ण कृष्ण बोलू। बोले जुगल नाम को ग्रहण करना चाहिए, इसलिए जुगल नाम ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते ये जुगल नाम को ग्रहण किया करो, इसलिए भले इसमें तो खिचड़ी जैसे हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण किया जो किया है हैं, उसमें राधा जी का नाम ही नहीं इसमें कहीं, पर राम का नाम भी इसमें है। भले इसमें ये जो हरे शब्द है ये हरा शब्द से ये हरे शब्द बना, ये आकार स्त्रीलिंग है, ये हरा शब्द से संबोधन में हो जाता है हे हरे मतलब हे राधे, हाँ कृष्ण मतलब कृष्ण, और इसमें जो राम फिर हरे शब्द हो गया क्या राधा जी का नाम। अभी राधा जी का नाम तो श्याम रहेंगे ना, राधा जी के साथ तो राम नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें जो राम शब्द है कहते राधा रमय अतिथि राम, इसलिए राधा जी के साथ में वो रमण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम राम शब्द है। इसलिए जो महामंत्र में जो राम शब्द है ये कृष्ण पर जय बाजी, इसलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जीव गोस्वामी गुरुदेव ने जो ग्रंथ निकाले हैं हरिनाम का जो महिमा, उसमें बहुत अच्छे तरह से हमारे गोस्वामियों ने, और इसको तो लेकर के इतने झगड़ा भी दुनिया में, कोई कोई कहते नहीं पहले से हरे राम बोलनी चाहिए, क्यों रामचंद्र तृतीया युग में आए कृष्ण द्वापर युग में आए, इसलिए पहले तो राम का नाम लेनी चाहिए, इसलिए कोई व्यक्ति उसको बदला करके हरे राम से कहते हैं कोई कोई व्यक्ति। फिर कुछ कुछ लोग हुआ ये भी मतवाल है, नहीं महापुरुष बोले यह जब किया समय करिया निर्भर, बोले इसको जप करने के लिए बताए जो सहजिया लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, बोले नहीं ये निकाय गौर आदेश से हम हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम से ज्यादा, इसलिए वो लोग इसको ही जोर जोर से बोलते हैं, अरे जो महामंत्र को ना केवल जप करते हैं। फिर क्या बोले नहीं महामंत्र को जोर से बोलने नहीं चाहिए, इसको धीरे धीरे, इसको ऊपर में इतने मतवाद है ना इतने गड़बड़ी है, बाहर जाने पर प्रचार करने के लिए जो जाइए सब ये सब चीज फिर पता चलता है, हैं ये सब चीज फिर पता चलता है। इसलिए इसका सारे समाधान हमारे से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने वो ग्रंथ में उन्होंने ये सारे बात उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए वो ग्रंथों को हमें पढ़नी चाहिए बहुत अच्छे तरह से। और एक प्रभुपाद का समय में एक ग्रंथ निकला बहुत अच्छे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये जो लोग सहजिया लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को जोर जोर से नहीं करनी चाहिए, इसको मन मन में इसको करनी चाहिए हैं, उसको विषय पर उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है, दिव्य व्याख्या किया महाप्रभु ने इस विषय पर क्या बोले चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितमृत में कहाँ कहाँ पर ये शब्द है। जैसे हरिदास ठाकुर को जब प्रश्न करते हैं तुम ये चिल्ला चिल्ला करके ये हरे कृष्ण जोर जोर से क्यों बोल रहे हो, मंत्र का नियम होता है मंत्र तो मन मन में बोलनी चाहिए, तुम इतना चिल्ला चिल्ला करके क्यों बोलते हो। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोले, बोले आप ही बताओ एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़ी कौन, बोले जो परिवार को खिलाता है, बोले उसी तरह जो मन मन में नाम करते हैं वो केवल अपना कल्याण सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं वो परोपकार करते हैं, लता पता वृक्ष का पेड़ पौधा वो भगवान का नाम नहीं ले सकता है, लेकिन जब प्रभु का नाम जोर से करे क्या होता है सबको कान में बैठने पर, तब उन्होंने भी श्लोकों को उद्धृत करके बताए, देखो ये पुराण का श्लोक है जप तो हरि नामान स्थाने सतगुणाधिकौ, कभी जो मन मन में हरि नाम करते हैं जो उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा फल मिलता है 100 गुना ज्यादा फल मिलता है, हैं इसलिए फिर वहां पर बहुत बहुत इस विषय पर बहुत ये है। बोले जिस समय जो वेश्या
जो लखेराज जो बेसिया थी जो उनको पतन करने के लिए गया था हरिदास ठाकुर को, इतने बोले उनका संग प्रार्थना किया, बोले देखो जब तक मैं 3 लाख हरिनाम नहीं करता हूँ ना मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करता हूँ, अभी तुम बैठो पर सुनो, वहां पर प्यारा था बैठ करके सुना उन्होंने, जो बैठ करके बोले सुना जब उन्होंने हरिनाम किया बिताई, इसलिए इसलिए पहले सुना 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 मतलब क्या, वो क्या मन मन में बोल रहे थे क्या, सुना मतलब सुना, तब वो क्या कौन सा नाम को जब कर रहे थे हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण महामंत्र को 3 लाख किए इसलिए महाप्रभु का नामाचार्य उपाधि दिया, मतलब अगर किसको नाम करना तो आदर्श कौन है, बोले श्री हरिदास ठाकुर। लेकिन कोई कोई कहते नहीं हमारे गुरु जी को ना ये स्वप्न में मिला है, हमारे गुरु जी को ये स्वप्न में मिला, अगर तेरे गुरु जी को स्वप्न में मिला मैं बोलूंगा मेरे गुरु जी को और एक नाम स्वप्न से मिला, और कोई बोलेगा मेरे गुरु जी को स्वप्न से, अगर ये स्वप्न में अगर सबको अलग अलग नाम मिलने लग जाए फिर तो ये महाप्रभु का वाणी का शास्त्र में जो बताए जो कलयुग में शंकर जी कहते हैं इति षोडश का नामनम कलि कल्मश नाशनम, ये 16 नाम 32 अक्षर ही कलि का ये कल्मश नाशन करने वाले, बोले ना तो परत उपाय और कोई उपाय है ही नहीं, सर्व वेदेषु दृश्यते समस्त वेदों में दिखाई पड़ता है ये 16 नाम 32 अक्षर ही कलि का कल्मश, ये शंकर स्वयं कहते हैं, इसलिए गुरुदेव ने ग्रंथ में बहुत अच्छे तरीके से चीज उन्होंने दिया है, इसलिए कहते नहीं, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौरज लवाई नाम से नाम लाओ आर जो तो छड़ा नाम दूरे देखेदा, समझ रहे हो, बोले महाप्रभु ने जो नाम लिया है हमारे शास्त्र में जो नाम कोई नाम कोई लिया करो, आर जो तो छड़ा नाम समझता हूँ, बाद में जो अलग 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 सब नाम बना दिया दूरे रेखेदा, वो सारे नाम को दूर में रख लो है, वो सब सारे नाम को दूर में रख लो, इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरुदेव यदर पहले तन्नाम रूप चरितादि क्या करो सर्वश्रेष्ठ उनको नाम है, और नाम में जो सर्वश्रेष्ठ नाम है श्री हरे कृष्ण ये महामंत्र है, उसमें विरह और मिलन है, गोस्वामियों ने केवल हरे शब्द का उन्होंने 32 तरह का अर्थ बताया, केवल हरे शब्द का, कृष्ण शब्द का अर्थ 16 तरह का बताया और राम अर्थ उन्होंने 16 तरह का बताया, ऐश्वर्य माधुर्य और ऐश्वर्य माधुर्य पर उन्होंने कितने शास्त्रों से, इसलिए ये ग्रंथों को हमें सबको पढ़नी चाहिए, गुरु जी ने ये जो हरिनाम की महिमा लिखे है ये ग्रंथ, क्योंकि हमारा जो कलयुग में जो भगवत प्राप्ति का जो सबसे जो उपाय है भगवान का नाम, और ये नाम हरे कृष्ण महामंत्र ही ये नाम है, इसलिए ये ग्रंथ को हमें अच्छे तरह से पढ़नी चाहिए, और बाहर में जा करके और जितने सारे मतवाद को खंडन करते हुए हमें ये महामंत्र को सर्वोपरि रूप में स्थापन करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं यहाँ पर कहते हैं तन्नाम, इसलिए उसको नाम ही जितने साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन किया है बोले भगवान का नाम है, जितने नाम है सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान नाम, इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र यह जप गया सवे करिया निर्बंध, यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवाल सर्व क्षण बोले थे विनाया, महाप्रभु कहते हैं मैंने ये जो नाम दिया है ये नाम को है ये नाम को दृढ़ पूर्वक ये नाम को जप करो, बोले यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवाल, इसी हरि नाम से ही सर्व सिद्धि मतलब भगवत प्रेम, सर्व सिद्धि मतलब ठाकुर का चरण और भगवत प्रेम, किसी नाम सहित में भगवत प्रेम की सर्वसिद्धि प्राप्त होगी, इसलिए सर्वक्षण बोलो इसे विधि नहीं आत्म कोई विधि विधान नहीं, ये नाम को उठते बैठते सोते चलते फिरते की सहने की भजने की बा जागरणे अहर निश्चल चिंता कृष्णा बोलो बदले, सोते उठते बैठते हर समय ये नाम को हमें ग्रहण करनी चाहिए, महाप्रभु का ये दिया हुआ नाम है, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जयते जयते नाम आनंद मितत मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पुदादि यत्नम सकृतम अपि सकृदा सकृतम परिहितम, ना कहा चला है
इसलिए कहते जीवन भूषण में, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जब बृहत भागवत अमृत ग्रंथों को बना रहे हैं उसमें सबका महिमा बताए। जब उन्होंने नाम की महिमा बताए बोले जय ते जय ते नाम आनंद मृत सारे, इसलिए उन्होंने जो जय शब्द एक बार नहीं बोला, जयती दो बार, ये नाम की जयकार उन्होंने दो बार उन्होंने किया है। वो कहते हैं कलयुग में और कुछ भी हमें करने का जरूरत नहीं है, सनातन गोस्वामी को कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहले 64 तरह का भक्ति बताए उसको सारांश लेकर के 9 तरह का भक्ति बताए उसको सारांश लेकर के फिर 5 तरह का भक्ति बताए उसकी सारांश को लेकर फिर 3 तरह का भक्ति श्रवण कीर्तन और स्मरण। लेकिन उन्होंने कीर्तन को कहाँ पर रखा है? अब मेरे तरफ से देखो श्री विश्वनाथ गुरु टीका में कहते श्रवण कीर्तन स्मरण ये 3 तरह का भक्ति बताए, लेकिन ये कीर्तन को कहाँ पर रखी? बोले बीच में। बोले बीच में इसको क्यों रखते? कारण क्या? बोले कब जो बीच में रहता है ना ये दोनों को ये मदद कर सकता है, ये दोनों को मदद कर सकता है बीच वाले व्यक्ति। उसी तरह जब हम नाम करते हैं फिर कान में वही बात श्रवण होता है और जो चीज को श्रवण करते हैं वही चीज स्मरण होता है। इसलिए जितने साधनों में ये महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापन किया और जो महामंत्र है वहां पर विश्वनाथ गुरु बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, ये कीर्तन को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप में क्यों किया? जैसे जैसे कथा सुन रहे हो आप देखना कभी कभी मन इधर उधर ध्यान रखता है, देखने के लिए तो बैठे हो लेकिन मन और भी किस चीज को सोच सकता है, है? लेकिन जब स्मरण करो उस समय भी देखना स्मरण तो सबसे बड़ा कठिन है। इसलिए किसने किसने कहा किसने किसने कहा आप कीर्तन को कैसे श्रेष्ठ बोल दिया, कीर्तन को कैसे श्रेष्ठ बोल दिया श्रेष्ठ, क्योंकि कीर्तन तो आसानी से हो जाता है लेकिन स्मरण ये सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अगर कोई कठिन चीज स्मरण बस स्मरण करते ही लाए दिखे अप्रतिपति जितने सबके सब कीर्तन करते ही ये सारे सारे चीजें आ जाती है, सारे अनर्थ आ जाते हैं। पहले तो नींद आ जाएगी, सबसे पहले कुछ नहीं आए नहीं आए, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए क्योंकि स्मरण श्रेष्ठ। फिर उदाहरण दिया बोले भैया एवरेस्ट एवरेस्ट में चढ़ना भी तो सबसे कष्ट, इसलिए उसको ही सर्वश्रेष्ठ बोल दो। इसलिए कोई चीज कष्ट है इसलिए हम उसको श्रेष्ठ नहीं बोल सकते, उसको श्रेष्ठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो हरिनाम है आप देखो हरिनाम जोर जोर से बैठ करके जोर जोर से हरिनाम करो, आप देखना अगर कोई थोड़ी किसको नींद आता होगा ना नींद तो उड़ जाएगी, सबसे पहले नींद उड़ जाएगी, शरीर में चुस्ती आ जाएगी, ये जो मन है ये मन भी इधर उधर नहीं जाता है जब कीर्तन जोर जोर से करता हो। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्ण के अंदर पर क्या होता है, इसलिए बोले साधन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण जी तो धरे महाशक्ति, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम ले पाए प्रेम। इसलिए अगर हरि नाम को कोई अगर आश्रय कर लिया, इसलिए कहते वीरमित्र धर्म ध्यान पूजा यत्न, जितने ध्यान सब छोड़ कर क्या करो केवल भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करो, ये नाम सही है कहते नाम रूप गुण लीला परिकर सब इस नाम में अंदर में जब शुद्ध नाम उच्चारण होता है उनका रूप परिकर लीला सबके सब अपने आप हृदय में ये सबके सब अपने आप हृदय में परिस्फुट होता है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जो नाम है कहते हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कितना ज्ञानेंद्रिया क्या क्या है बोले चक्षु कर्ण नासिका जीवा और त्वचा, कहते ये 5 ज्ञानेंद्रियों को ये भगवान का नाम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा को ई कल्याण कर देता है, अगर किसी कोई ज्ञान इंद्रियों को स्पर्श कर दे तो कल्याण कर देता है। उदाहरण देते हैं जैसे चक्षु, चक्षु के द्वारा कैसे ये नाम कल्याण करता है जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जैसे लिखा हुआ, इसलिए श्री गौर कुशलदास बाबा जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हारी मन इधर उधर भटकता है उसको क्या करो बोले हरे कृष्ण महामंत्र लिख दो, लिख करके जब नाम को जप करो देख देख हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, उसको देख देख हरे नाम
ये चक्षु को धरा, जब चक्षु ये हरे कृष्ण महामंत्र देखा कि भी जो नाम है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम, ये जो नाम है ये स्वयं रस विग्रह, ये कृष्ण, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए चक्षु को धरा कल्याण किया। तो अब लोग मेरे कल बोलना कैसे किया चक्षु, उसको बाद में कर्ण, जब हरि कृष्ण महामंत्र करते ही जिसको द्वारा प्रवेश करता है कान को द्वारा, कल बोलते कान में भीतर दिया भर में बस लोगो आंखों लो करी लो मर प्राण, जब ये कान में प्रवेश करता है इसलिए कर्ण करो कड़मनी घटयते करना बुधेव स्प्रिया। इसलिए जब कर्ण पर प्रवेश करता है हैं कहते ब्रह्मा एक कान क्यों दिया, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया। इसलिए जब नाम कान में प्रवेश किया, कान का भी कल्याण किया चक्षु कर्ण, उसके बाद में त्वचा, त्वचा मतलब ये शरीर, इसको द्वारा अब लोग देखना कोई कोई व्यक्ति शरीर में भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, छाती में भी राधे राधे निताय गौर, अपना शरीर में भी कोई कृष्ण नाम को लिखते हैं है? इसलिए जैव धर्म में आता है ना, जब संन्यास उन्होंने जब हरिनाम को जब किया, उन्होंने दिव्य उन्होंने श्री दिव्य उन्होंने श्री महाप्रभु धाम को दर्शन किया, कैसे शरीर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लिखे हुए शरीर में हैं। इसलिए जब इस शरीर को त्वचा को जब ये नाम स्पर्श करता है ये त्वचा को भी कल्याण करता है। और और उसके बाद में चक्षु कर्ण नासिका जीवा और जीवा जीवा बोला था मैंने हाँ, ये जीवा जब ये जीवा के द्वारा भगवान की नाम उच्चारण करते हैं ये जीवा को भी कल्याण करता है हैं। चक्षु कर्ण नासिका रह गया नासिका, बताओ नासिका को कैसे कल्याण करता नाम का कोई सुगंध है नासिक नासिका को कैसे, ये नासिका को कैसे कल्याण करता है, त्वचा का भी कल्याण किया है और कान का भी कल्याण किया, चक्षु का भी जीवा को रह गया एक नासिका, बताओ नासिका को कैसे कल्याण करते हैं, वाइब्रेशन निकलती है, वाइब्रेशन हरि नाम की जो वाइब्रेशन होती है। इसलिए कहते हैं जब हम हरिनाम करते हैं ना, इसलिए हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे महाराज जी, जब किसी शुद्ध शुद्ध वैष्णव कई हो, शुद्ध वैष्णव हो भले ही वो हरि कथा नहीं बोल रहे हो, लेकिन केवल उनके पास में आप बैठो ना, उनकी शरीर से जो दिव्य शक्ति चुरित होता है, दिव्य शक्ति निकलती है उनके शरीर से, बस उनको पास में बैठने पर ही अपने आप और दिव्य शक्ति अपने आप शरीर में संचालित होता है। इसलिए जब हम भगवान के नाम लेते हैं है? इसलिए गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे, जैसे कोई ईंट पत्थर लो और पानी में फेंको, पानी में क्या होता है लहरी आती है, वो लहरी आकर अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दोबारा फिर तीन बार आएगा। फिर उसी तरह जब हम भगवान का नाम ग्रहण करते हैं कि जो नाम कैसे हैं मधुरम मधुरम मृतक मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत्थल चीत स्वरूपम सकृद्रव्य परिगीतम श्रद्धा हलवा भृगुवर नर मात्र तारते कृष्ण नाम, कृष्ण नाम ये मधुर से भी मधुर है, ये मंगल से भी मंगल, ये कृष्ण नाम किसी तरह से अगर उच्चारण हो जाए कल्याण। इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं इसका ध्वनि जितने दूर तक ये हरिनाम का आवाज जाता है, हमारे गांव में हम तो मेरे गांव का एकदम पूरा गांव का, जब हमारे गांव में बड़ा बड़ा अनुमान होने लग जाता है, इस घर में आग लग गया, पहले भूसा का घर होता था आग लग गया, कोई कलरा आ गया, कोई महामारी हो गया, गांव में बड़ा अपशब्द। हमारे गांव के लोग क्या करते थे, वो मृदंग और करताल लेते थे है? ये मृदंग करताल लेकर के कीर्तन करते थे, हम लोग भी कीर्तन करते थे और अष्ट प्रहर वहाँ कीर्तन होता था, अष्ट प्रहर तो प्रसिद्ध है हाँ, उसे हमारे बंगाल और ईशान प्रसिद्ध, वहाँ पर 24 घंटा अलग अलग लोग बैठ कर पूरा 24 घंटा हरिनाम होगा। हरिनाम होने पर उसमें क्या होता है, धीरे 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 गाँव का सारे वातावरण शांत हो जाता है, सारे वातावरण शांत हो जाती है सारे वातावरण। इसलिए कृष्ण नाम जब हम करते हैं, जब यहाँ बैठे हुए हो तो उसका जो है उसका जो वाइब्रेशन, उसको सुगंध जब नासिका का अंदर में प्रवेश करता है, इसको द्वारा भी ये हमारी सनातन गोस्वामी कहते इसको द्वारा भी ये कल्याण कर देता है। इसलिए जो भगवान का जो नाम, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तन नाम है, ये भगवान का नाम और उनका रूप, रूप कल हमारे संजय प्रभु जी का रूप का कितना महिमा गा रहे हैं, विशेष करके भागवत में
तीन रूप उनका आया है, एक ब्रज गोपियों ने कहा, एक महिष एक मथुरा की यज्ञ पत्नियों ने एक रूप, और एक रूप श्री ब्रह्मा जी वर्णना किया है। हाँ, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले नव मिट से अभ्रभ खुशे तड़िताय गुंजावतं सपरिपीचल सतमुखाय। ये जो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए, नवमी ठाकुर जी आपका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, क्यों इड आप मेरे पिता हो, इसलिए आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। नव मिड से अभ्र बपुसे, उनका जो शरीर को उन्होंने किसको साथ में उदाहरण दिया, अभ्र बपुसे काला मेघ जैसे। तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं फिर उनको काला मेघ को साथ में क्यों उदाहरण दिया, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। कहते जो काला मेघ है ना, एक चातक चिड़िया होता है, वो चिड़िया वो किसी नदी का किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो किसका पानी, वह स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, है? इसलिए जब आकाश में, इसलिए हर समय वो बोलता है प्यासा हम पानी पानी चिल्लाते रहता है, लेकिन जब आकाश में मेघ दिखता है ना बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बोले क्यों, अभी बरसात होने वाले हैं, इसलिए मेरी जो छाती प्यास हमारे फट रहा है, अभी आकाश में काला मेघ छा गया, बारिश होगी, अभी वो पानी को पीऊंगा। इसलिए कहते हे प्रभु, कहते मैं चातक जैसे, इसलिए आपका शरीर का रंग कैसे काला मेघ जैसे आपका शरीर रंग है, लेकिन जैसे चातक का जैसे प्राण ही ये काला मेघ होता है, मैंने भी आपका चरण में अपराध किया, क्या किया, आपका बच्चे और सखा को मैंने चुराया, इसलिए मैं भी आपका चरण में अपराध किया हूँ, अपराध रूपी हाँ कहते तत्व द्वारा मैं हृदय भी पीड़ित है, लेकिन जैसे चातक जैसे काला मेघ को देखने पर जैसे प्रसन्न हो जाता है, लेकिन प्रसन्न उसी तरह आपका रंग काला है, इसलिए इसको देख करके अभी मेरे प्रसन्न हूँ, ये एक कारण है। दूसरा कारण है, आप देखना जो मेघ होता है ना वो देखता नहीं ये पवित्र अपवित्र, वो नहीं देखता ये पवित्र स्थान में ही बारिश करूंगा, ये अपवित्र स्थान पर बारिश करूंगा, वो नहीं देखता है, वो बराबर सब जगह में ये बारिश देखता है। उसी तरह ये आप अभ्र बपुसे, आपका जो शरीर का रंग वो काला मेघ है, आप भी उसी तरह, मैंने तो अपराध किया है आपके चरण में अपराध किया, अपराध ही हूँ, लेकिन आपका अभ्र बपुसे हो, आपका शरीर तो काला रंग है, जिसे बराबर बारिश करते में अपराध होने पर भी आप मेरे ऊपर भी क्या करोगे, अब जरूर मेरे ऊपर भी आप कृपा करोगे, इसलिए अभ्र बपुसे तड़ितम बराय। इसलिए भगवान की जो कहते उनका जो जो वस्त्र का जो रंग है वो कैसे वस्त्र का रंग है, कहते उनका वस्त्र का रंग कहते ये पीला रंग है, बोले पीला रंग क्यों है, बोले कारण है जैसे मेघ है, मेघ तो सुंदर है लेकिन जब उसमें बिजली चमकती है ना वो मेघ का जो शोभा और बढ़ जाता है, बोले उसी तरह आपका जो शरीर तो काले है लेकिन आपका शरीर में जो चिताम्बर है ना ये और भी शोभा को बढ़ाने वाली, ये अंग ये पिताम्बर मतलब तपे हुए सोने के जैसे, इसलिए कृष्ण पिताम्बर धारण करते हुए राधा रानी के प्रति उनका प्रेम को प्रकाश करते हैं। और राधा रानी कौन सा वस्त्र पहनती हैं, बोले नील वसना गौरी रूपे गुण धन्य, बोले नील वसन क्यों धारण करती है, कारण है कृष्ण का जो रंग है, बस दोनों दोनों के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। कहते राधा रानी का चुंदरी का रंग कैसे है, कहते गुलाबी रंग है, देखना राधा रानी की चुंदरी का रंग गुलाबी रंग, ये गुलाबी रंग क्यों धारण करते हैं, कहते ये गुलाबी रंग है ये अनुराग का रंग है, ये हम कहते हैं आज ब्रज में होली रसिया, इसलिए गुलाब का रंग कैसे, इसलिए जो गुलाब का जो रंग एक दूसरों के ऊपर फेंकते हैं इसका मतलब क्या है, ये गुलाल की अनुराग का प्रतीक है, मतलब एक दूसरों को अपना अनुराग में द्वारा डुबो देते हैं, इसलिए तड़ितंबर आय बोले गुंजाव तन स, इसलिए सर पर ये मरु पंख लगाते हैं, कल हम लोग सुन रहे थे उसका भी बड़े रहस्य है, एक तंबर ब्रह्मचारी, इसलिए भगवान ब्रह्मचारी को हैं बड़े प्यार करते हैं, कारण है और दूसरा कारण है, और मौर्य पंख में श्री किशोर जी की नाम लिखा हुआ है, इसलिए राधा रानी का महिमा भी जगत में प्रचार, और तीसरा कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये मौर्य पंख नृत्य करता है,
जब आकाश में काला मेघ छा जाए, बिजली गड़गड़ तब कर लग जाए, तभी और मरुण नृत्य करता है। इसलिए कृष्ण एक समय बंसुरी बजा रहे थे, अभी बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण का रंग तो काले है, पीताम्बर जैसे बिजली चमक रही है और बंसुरी का शब्द जैसे गड़गड़ 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 हो रहा था, ओ इतने में मर तो फिरक फिरक करके नाचना शुरू कर दिया। जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना, हम क्या करते हैं, कुछ पैसा लेकर घुमा घुमा कर देते हैं, उसी तरह नौछावर करते हैं। अभी मयूर ने देखा कृष्ण तो मेरे को खुश कर दी, बंसुरी बजाई तभी तो मैंने नृत्य की। जब कोई नृत्य करता है खुश हो जाता है, बोले कृष्ण को मुझे देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में क्या, मयूर सिवाय कुछ है। उन्हें झाड़ दिया तो एक मयूर पंख गिर पड़ा, ये प्रेम का उपहार है, इसलिए कृष्ण उसको उठा कर अपना सर पर लगा दी। बोले गुंजाब तंसा, कहते उनका जो कर्ण भूषण ये गुंजा फल की, बोले कारण क्या, अब लोग गुंजा फल देखा ना कितना छोटे छोटे फल होता है, ऊपर में थोड़ी सी हमारे थोड़ी बंगला में उसको क्या बोलते हैं, जानते हो बंगला में कितने छोटे छोटे ऊपर में काला रंग का होता है, गुंजा फल होता है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्ण यहाँ शिक्षा देते, वो जंगल से अपने आप मिल जाता, बिना पैसा का मिल जाता है। कृष्ण शिक्षा देते हैं मेरे को संतुष्ट करने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु देने पर मैं खुश होगा, ऐसे नहीं है, बहुमूल्य नहीं। इसलिए प्रेम को द्वारा पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, उन्हें ये चार चीज का नाम लिया है जो बिना पैसा में जो चीज मिलता है, पत्र पुष्प फल और जल, इसको द्वारा। और गुंजा महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था, क्या क्या दिया था, गुंजा माला और गिरिराज शिला दिया था, बल ये गिरिराज शिला कृष्ण और गुंजा माला राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए कृष्ण क्या करते, उसको अपना कर्ण भूषण रूप में धारण करते, गुंजा तंस परिपीच लसत मुखाय और बन्य सृजे कवल बेत्र विषाण धन, इसलिए बन्य सृजे है। यहाँ कृष्ण शिक्षा देते हैं, कृष्ण जब वृंदावन में जाते हैं कभी सखाएं कभी सखियां बन का पत्ते फल फूल से कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं यद्यपि मेरे श्रृंगार वैकुंठ में अयोध्या में द्वारका में मेरे रत्नों को द्वारा श्रृंगार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर श्रृंगार मेरा कब, सबसे प्यारा जब फूलों से पत्तों से गौर की रंग से मेरे को श्रृंगार करते हैं, ये श्रृंगार सबसे मेरे प्यारा श्रृंगार। क्योंकि बातें भी आएगी राधा वल्लभ, अब देखना फूल का क्या श्रृंगार होता है, पूरा उनका पटका उनका दुपट्टा उनकी वस्त्र केवल फूल फूल कली कलियों से बनती है, हैं? इसलिए फूल से सज रहे श्री राधा वृंदावन विहार। इसलिए यदि जो बन का जो श्रृंगार पत्ते फूल का श्रृंगार सबसे मेरे प्यारा श्रृंगार यही है, केवल बेत्र विशाल बेनो। और उन्होंने श्री मुरली को बजाते हैं और उन्होंने हाथ में जब खाते हैं क्या खाते हैं, दही भात और दही चावल दही भात और आचार आचार रहता है। कृष्ण कहते हैं मेरे सबसे प्यारा भोजन क्या है, कहते मेरे सबसे प्यारा भोजन है दही चावल, नहीं तो दूध चावल ही मेरा ये सबसे, कभी खाए हो दूध चावल दही चावल, कौन कौन खाए, हाँ इसलिए हमारे देश में खाते हैं, हिंदुस्तानी इधर का लोग तो इतना नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे देश में दही चावल दूध चावल और जो चिड़वा है, इसलिए कहते हैं ये सबसे मेरा प्यारा भोजन है। इसलिए पशुपान व जाय, यहाँ पर उन्होंने एक अच्छे सिद्धांत को स्थापन किया, कृष्ण कौन है, पशुपान व जाय, पशु का मतलब जो पशुओं को चराते हैं, कौन श्री नंद बाबा, उन सौ अंग से जो प्रकट हुआ है ये श्री नंद नंदन है, ये वसुदेव नंदन रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन जो नंद नंदन ये कृष्ण कौन है, कहते ये नंद नंदन ये ब्रजेंद्र नंदन और ये श्री गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए बोले तन नाम रूप चरिता कृष्ण और क्या, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते तन नाम रूप चरिता दि सुकृत नाम श्रमेण रसना मन निज जो तिष्ठन ब्रजे तदादि जनन गान, हमें भजन कैसे करनी चाहिए वृंदावन में, अगर शरीर से नहीं रस मन से और तदानुरागी जनानुराग, गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं हमें भक्ति उनके जो अनुराग में जो रंगे हुए ब्रज भक्ति में ऐसे संतों की अनुगत्य में अगर भजन करेंगे तो फिर हमें ये ब्रज भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, नहीं तो ये ब्रज भक्ति हमें नहीं मिले। अभी हमारे श्री रामचंद्र रामचंद्र हाँ तैयार होकर के आए मिनट बाद।
श्रीआनंदन शाखेन चक्षुर्मीलेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नाम्ने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम उदारि मधुरे गुणेशयुक्तम वरवरेण्यं पुष्यमानं नारायणं नमांसि सहनामामि वाञ्छाप्रपतलभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीमद्भक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम राज्य समुदे नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद श्रीमदी विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूजवा भक्ति विधान श्री महाराज जी के चरणों में मैं अपना हृदय से दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। संजय प्रभु जी चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप सारी दुनिया में घूमते हो, ब्रज छोड़ के आपका मन कैसे लग जाता है? वृंदावन धाम है, भगवान का धाम है, उसको छोड़ के आप इधर उधर चले जाते हो, आपका मन कैसे लग जाता है? तो गुरुदेव बोले, मैं तो कभी वृंदावन से बाहर गया ही नहीं, तो भले वो अमेरिका में हो, भले वो इंग्लैंड में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ब्रज में ही रहते थे। बड़ी समस्या, हमें कहा गया है ब्रज में रहकर भजन करो। क्या डिसीजन? ब्रजे, ब्रज में बैठो और भजन करो। कहाँ से आओ? दिल्ली से आओ, अमेरिका से आओ, कहाँ बैठो? ब्रज में बैठो और भजन करो। हमें बाहर से ब्रज में आकर भजन करना पड़ता है, और गुरुदेव यहाँ जाते हैं, ब्रज उनके साथ साथ चलता है। ये फर्क है हमारे में और गुरुदेव में। समय थोड़ा है, मैं चाहता था पढ़ के सुनाऊं, इतना कम समय है। जो मैं कल बतला रहा था उसी को आगे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इतना समय होगा सुन लो, नहीं होगा रह जाएगा। मेरे पास अपने अपने दिमाग में तो कुछ है नहीं, हमारे संजय प्रभु हैं, ये अत्यंत कृपा प्राप्त पात्र हैं भगवान के और गुरुदेव, और इनको सब कुछ दिमाग में याद रहता है। हम कात्यायनी व्रत की गोपियों की बात कर रहे थे, छोटी छोटी गोपियां हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है भाव प्रकाश का वृत्ति में, यहाँ पे आचार्यों की टीका में लिखा हुआ है। मैं टीका ही का एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूँ, पूरी भी टीका नहीं है। तीन चार वर्ष की आयु वाली इन गोप कुमारियों की अब स्नान करने जा रही हैं यमुना जी में, कपड़े पूरे उतार दिए हैं। नग्नता का विचार कर विकृत मानसिकता का परिचय ना दें। क्या बात कर रहे हैं वो, दिमाग में कोई विकार नहीं आना चाहिए, बल्कि इन कन्याओं का कृष्ण के लिए जो प्रेम व्यवहार है उसकी चर्चा करें तो लाभ होगा। कैसे फायदा होगा कि इनका कृष्ण के लिए कितना जबरदस्त अनुराग है। गोप कुमारियों की नग्न अवस्था में यमुना जी में अवगाहन करना बिल्कुल ऐसा है जैसे छोटी छोटी बच्चियां, चार पांच साल की बच्चियां हैं, बच्चे भी
नग्न स्नान करते हैं तालाब में, गंगा में, नदी में, किंतु अच्छा ये काम तो बच्चियों जैसा कर रही है नहाने में, कपड़े उतार दिए उन्होंने, लेकिन है कौन है इसकी बात चर्चा करें। किंतु इनकी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, पति के रूप में उन्हें पाने की जो लालसा है, और उसको पाने के लिए जो वो ये नियम और व्रत कर रही है, किसका? कात्यायनी का। सुदृढ़ नियमों का जो पालन कर रही है, कात्यायनी की पूजा आदि कर रही है, ये जो व्यवहार है ये बालक उचित नहीं। नहाने चली गई कपड़े उतार के, ये तो है बालिका, कितनी छोटी है, चार तीन चार साल की बालिका है, वो बालिका वाला स्वभाव है। लेकिन जो उनका कृष्ण को पाने की चाहत में जो ये कात्यायनी व्रत कर रही है, वो बालिका वाला स्वभाव नहीं है। इन सब कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों जन्म की इनकी, एक जन्म की नहीं, दो जन्म की नहीं, ये तीन चार साल तो छोड़ दो, उसके पीछे जन्मों को जोड़ो, सैकड़ों जन्मों की अभिज्ञता मिलाकर भी इन बालिकाओं की आंतरिक भावना और बाहरी व्यवहार को समझना कठिन है। तो इनके अंदर जो भावना है आज की नहीं है, कब की है, अब वो इसका बतला रहे हैं कब की है। वो गोप कुमारियों की छोटी आयु और उसमें कृष्ण का अनुराग देखकर पद्म पुराण में बतलाया गया है ये पिछले जन्म की ऋषि हैं, ऋषि चरी मुनिचरी ये हैं गोप कन्या, पिछले जन्म की ऋषि हैं। त्रेता युग में दंड कारण्य में भगवान रामचंद्र जी को देखकर भावावेश हो गई, उनके अंदर उद्दीपना आई, उन मुनियों में वो गोपाल मंत्र से उपासना कर रहे थे, किसकी कर रहे थे, गोपाल देव की उपासना कर रहे थे। उस गोपाल देव के रूप में उनके अंदर प्रियतम को पाने के भावना जागृत हुई भगवान राम को देखकर, तो कौन सी भावना आ गई, प्रीतम को पाने की, गोपाल प्रीतम, और इस प्रकार पाने के लिए वो अधीर हो गए। कब हुए, त्रेता युग में भगवान राम के समय में। बाद में सभी ऋषियों ने ही स्त्री देह में गोकुल में जन्म लिया और अपने मन के अनुरूप मनोहर श्री हरि को पाकर अपने चिर संचित अभिलाषा को पूर्ण करना चाहती हैं, इसलिए वो ये पूजा कर रही है। इन सभी दंड कारणे वासी ऋषियों ने गोप कुमारियों के रूप में ब्रज में जन्म ग्रहण किया एवं उनके पूर्व जन्म की साधना ही अब ब्रज में आने में परिपूर्ण हो रही है। तो उनके अंदर जो कृष्ण का अनुराग है वो तभी का है। तो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर भाषा, भाषा भी बड़ी अच्छी लिखी है यहाँ पे। अतएव गोप कुमारियां शरीर से नवीना होने पर भी भाव में नवीना नहीं है, उनका जो भाव है वो नवीन नहीं है। त्रेता में भगवान श्री राम अवतीर्ण हुए थे। अच्छा त्रेता भी कौन सा, ये वाला त्रेता युग नहीं था, अभी तो 28वां वो चल रहा है ना चतुर्युग, वो 24वें की बात है जब भगवान राम हुए थे, उसमें लिखा चतुर्वंश चतुर्विंश चतुर्युग त्रेता की बात है। तो तब से लेके अब तक तो लाखों साल बीत गए। कृष्ण प्राप्ति के लिए उत्कंठित होकर कात्यायनी व्रत अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए। इन दंड कारणे की तीव्र साधना से माया मुक्ति, अष्टपाश मुक्ति आदि सभी कुछ प्राप्त हो गया, नहीं तो गोकुल में जन्म लेकर, ब्रज में जन्म लेकर पति रूप में कृष्ण की प्राप्ति
करना इतना सुलभ नहीं है। देखो कितनी बात करें, इन्होंने कितने देर का व्रत रखा, एक महीने का, तो एक महीने के व्रत में कृष्ण मिल जाएंगे। क्या जवाब दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि एक महीने की साधना से संभव नहीं हो सकता। अरे एक महीने की साधना से तो संसार का भी कोई काम नहीं पूरा होता। अगर तुमने छठी क्लास से सातवीं क्लास जाना हो तो एक महीने में नहीं होगा है? उसके लिए भी एक साल का इंतजार करना पड़ता है। तो फिर कृष्ण की प्राप्ति एक महीने की साधना से हो जाएगी। इसलिए उनकी देह बालिकाओं की होने पर भी उनका कृष्ण अनुराग बालिकाओं वाला नहीं था। उनका दैहिक व्यवहार बालिकाओं की भांति होने पर भी प्रेम व्यवहार अतुलनीय था। जो उनके अंदर प्रेम व्यवहार अतुलनीय था। अब कृष्ण उठे, आज आखिरी दिन है और वो वहां पे जाते हैं। यहां मैं थोड़ा सा जंप करके आगे बतलाना चाहता हूं कैसे जाते हैं कृष्ण। अपने चार सखाओं के साथ जाते हैं। वो सखा कौन है? इस प्रकार गोप कुमारियों के अनुराग युक्त गीत को सुनकर कृष्ण ने सुना, जब ये आपस में स्नान कर रही हैं और कृष्ण के अनुराग भरी बातें कर रही हैं, ये गीत में, ब्रज में बात भी क्या होती है, गीत होती है। अनुराग युक्त गीत कर्ण गोचर होने पर श्री कृष्ण अतिशय प्रसन्न हुए एवं दाम सुदाम वसुदाम और किंकणी किंकणी नामक चार सखाओं के साथ लेकर अत्यंत उत्कंठित होकर उनकी मनोवासना पूर्ण करने के लिए चल पड़े। ये सभी गोप बालक भी अधिक आयु के नहीं है, यहां तो 2-3 साल लिखा है। इनकी उम्र भी कितनी है, 2-3 साल की, जिन्हें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए वन जाते हैं तो ये भी दौड़कर उनके साथ वन में आते हैं। तो श्री कृष्ण जिन गोप बालकों के साथ, यहां ये शास्त्र में से कोट कर रहे हैं, गौतमीय तंत्र में से, कि जिन गोप बालकों के साथ कृष्ण गए थे उनका नाम ये बदला दें, ये उनका नाम था। यद्यपि गोप कुमारियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की अर्चना की और कात्यायनी देवी ही उनकी पूजा की फलदात्री होनी चाहिए, फल किससे मिलना चाहिए, कात्यायनी देवी से, तथापि समस्त कर्मों के फलदाता एवं उनकी पूजा के प्रत्यक्ष फल स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण स्वयं ही उनके फल को देने के लिए निकट आ गए। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी पूजा की जाती है उसका फल मुझे मिलता है, उन्हें देवी देवताओं को नहीं मिलता, और जो फल पूजा करने वाले को भी मिलता है वो समझता है देवी देवताओं से मिल रहा है, पर देने वाले कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण। ऐसा प्रतीत होता है कि गोप कुमारियों ने जैसे कृष्ण को प्राप्ति की तीव्र व्याकुलता में कात्यायनी देवी से प्रार्थना की थी, हे देवी हमारे पिता माता आदि, यदि आपकी कृपा से कृष्ण के साथ हमारा व्यवहार करने के लिए राजी भी हो जाएं, सुनो बड़े ध्यान से, यदि हम आपकी कृपा से हमारे माता पिता और कृष्ण के माता पिता हमारा कृष्ण से विवाह करने के लिए राजी भी हो जाएं, आप कृपा करके ये व्यवस्था मत करना। देखो क्या कहते हैं, आप कृपा करके ये व्यवस्था नहीं करना, अगर ऐसा हुआ तो बहुत विलंब हो जाएगा, विवाह होगा, पहले पता नहीं क्या क्या
पावर बेल नहीं पड़ेंगे, बहुत विलंब हो जाएगा। अतएव पिता माता आदि अभिभावकों को का व्यवधान ना रख कर आप ही श्री कृष्ण के साथ हमारा विवाह संगठन करा दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। आप ही ये काम करा दीजिए तुरंत अभी, चट मंगनी पट ब्याह होता है ना। वैसे ही श्री कृष्ण भी गोप कुमारियों की प्रगाढ़ प्रेम व्याकुलता से ऐसे मोहित हो गए कि वे भी उनको अपनी प्रेयसी के रूप में ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो गए। ये भक्त की व्याकुलता भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा कर देता है उनकी सेवा लेने के लिए। यही आत्मा राम का गुण है। क्या आत्मा राम है? आत्मा राम है कि वैसे तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई उनसे प्रेम से पुकारता है उसके लिए वो छटपटाने लगते हैं। स्वयं भी वे विलंब सहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए कात्यानी देवी को बीच में ना लाकर खुद ही गोप कुमारियों के निकट में आकर उपस्थित हो गए। कृष्ण अब एक बड़ी अजीब बात है, व्रत के अंतिम दिन गोप कुमारियां अपनी अपनी भावना के अनुसार कृष्ण प्राप्ति के लिए ललायित थीं एवं अपनी अत्यंत प्रिय सखी राधिका और बड़ी बड़ी सखियां गोप रमणियों को भी निमंत्रण देकर यमुना के किनारे ले आई थीं। भागवत में ये नहीं लिखा, भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि ये राजा रानी को ललिता विशाखा बड़ी को लेके आई थी, ऐसा नहीं लिखा। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझको बड़ा अद्भुत लगा, और गुरुदेव के मुख से हमेशा हम सुनते थे जब हम कहाँ जाते हैं, चीर घाट में जाते हैं, कि अंतिम दिन में इन्होंने बुला लिया था। तो ये क्या कह रहे हैं, व्रत के अंतिम दिन में गोप कुमारियां अपनी भावना के अनुसार कृष्ण प्राप्ति के लिए ललायित थी एवं अपनी अत्यंत प्रिय राधिका आदि गोप रमणियों को भी निमंत्रण देकर यमुना किनारे ले आई थी। कात्यानी पूजा के पश्चात गोप कुमारियां उनको लेकर कात्यानी पूजा महायज्ञ का ये स्नान करने के लिए यमुना में अवगहन एवं जल विहार करने लगी। और ये कहाँ लिखा है, अब इसका जवाब दीजिए, ये कहाँ लिखा है? तो बोलते हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है विदग्ध नाटक, विदग्ध माधव नाटक, और उसके तृतीय अंक में वर्णन है राधा रानी आदि गोपियां कृष्ण के साथ हैं और इनमें आपस में मुहाचाही हो रही है। क्या हो रही है? ये मुहाचाही समझते हैं, प्रेम कलह, आपस में बातचीत, टीजिंग, छेड़छाड़। गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार का हास परिहास करते हुए उनको इशारे से कहा चोर कहीं का। कृष्ण को क्या बोल दिया? चोर कहीं का। ये सुनकर कृष्ण ने उनको कहा हमारे जैसा व्यक्ति क्या कभी चोरी कर सकता है, और वो भी स्त्री धन की है, स्त्री धन अपहरणकारी कभी हो सकता है? कोई प्रमाण है? कृष्ण कह रहे कोई प्रमाण है? तो इसके उत्तर में गोपियों ने कहा जहां कात्यानी पूजा हुई थी ना, याद है ना, वहां एक पेड़ है, पेड़ किसका है? कदम का वृक्ष है, वो कदम का वृक्ष साक्षी है, वो प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि तुमने क्या किया, कपड़े चुराए, गोपियों के कपड़े चुराए। इससे समझा जाता है कि राधिका आदि गोप रमणियां श्री कृष्ण के वस्त्र हरण के प्रसंग में को जानती हैं। तो कैसे जानती हैं वो? जब वहां थी तभी तो वो ये बात कह रही थी। तो इस लाइन से हमारे गुरुदेव बतलाते थे कि अंतिम समय में वो वहां पर थी। बहुत टाइम हो गया है, इसको यही समाप्त करते हैं और आगे नहीं। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।